What's up? Hi everybody. So I was live on the VH1 page और अब मैं यहाँ पर आ गया हूँ. Hey everybody, what's up? Waiting for everybody to join in. Hello, I'm waiting for all your comments. Already काफी लोग join हो गए हैं. Am I? Okay. अब इतने देखा है इसे? Okay, then we are. Hello, hi. Very happy, very excited. और मैं जानता हूँ कि बहुत सारे लोगों ने आज दिल बीच देखा है एंड बहुत सारे लोगों ने इसको पसंद भी किया है. और अब मैं आई एम वेटिंग फॉर एवरीबॉडी. आई एम जस्ट सीइंग हार्ट्स एंड हार्ट्स एंड हार्ट्स. Hello. I'm just seeing hearts. मैं मुझे सिर्फ hearts दिख रहे हैं. So okay guys, as I said, मैं फिर से I want to say this that I want really want to thank MTV Beats for giving this opportunity and ये मुझे मौका मिला कि मैं आप तक आप सबके साथ एक लव दोस्त बनूं आप सबका. एंड आप सबके साथ बहुत अमेजिंग गाने शेयर करूँ और आप सबके लिए अमेजिंग गाने मैंने ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ जो आप सुनेंगे. बट द प्रॉब्लम हियर इज आई एम नॉट एबल टू सी एनी ऑफ योर कमेंट्स. मैंने देखा है जी. सो मेरे फोन में नहीं दिख रहा. आई एम नॉट एबल टू सी द कमेंट्स, सो आई एम गोना रीड द कमेंट्स फ्रॉम हियर. काव्या केसी, आई वाज सो ईगर टू सी यू. आई वाज आल्सो वेरी एक्साइटेड कि मैं आप सबके साथ बात करूं. यस ऋत्विका, राइट ऑन टाइम मैं आ गया आज. नहीं वॉच तो है, कभी कभी प्रॉब्लम हो जाता है. इफ समवन चीट्स ऑन यू, अगर कोई चीट करता है देन आई थिंक आई वोंट रिएक्ट. वो काफी पेन होगा इंटरनल, देयर वुड बी अ लॉट ऑफ इंटरनल पेन, बट आई वोंट रिएक्ट टू मच. अगर उस इंसान ने चीट किया है दैट मींस कि वो इंसान इज नॉट कनेक्टेड टू मी और वो मुझसे प्यार नहीं करता. सो जो इंसान प्यार नहीं करता फिर उसके बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है. व्हाट डू यू वांट टू से टू द पीपल हु चीट ऑन देयर पार्टनर्स? आई थिंक यू शुड, ये गेम नहीं खेलनी चाहिए. इट्स नॉट अ गेम. यहाँ बात हो रही है, बहुत सारे इमोशंस की बात हो रही है. सो यू शुड नॉट रियली, अगर इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन दैट पर्सन तो उसको सीधे मुंह कह दो कैसी दिस इज नॉट वर्किंग आउट, दिस नॉट गोना हैपन एंड we cannot be together, that is fine. cheat karna bahut, barf mein shoot karke kaisa laga? bahut hi acha laga yaar, mujhe bahut maza aa raha tha, bahut garmi lag rahi thi. so yes, someone took bath today, god knows haqeeqat kya hai. वूट पर आने वाला है, बाकी हॉस्टल वाले स्टूडेंट्स कुछ करते हैं जुगाड़. मैं पूछता हूँ एमटीवी बीट्स को कि अगर आपने टीवी पर मिस किया तो आप कहाँ देख सकते हैं. आई हैव अ सेक्सी नोज, लेट्स नॉट टॉक अबाउट माय नोज टुडे. वी आर गोना टॉक अबाउट दिल बीट्स. गानों के बारे में बात करेंगे. अगर आपको मुझे कुछ पूछना है, आई एम
now I'm having a lot of comments. Yeah, in my phone there's no comment. I just see Diana, Dennis, Duton is watching. It's all that I can read. What if someone insults you and that someone is your love? किसी की इंसल्ट तो नहीं करनी चाहिए. आई वुड रादर सी वाई ये चीज़ हुई और ये क्यों किया ऐसा. मैं वुड लाइक टू नो दैट. और अगर फिर वो रीज़न वैलिड है या अगर कहीं मेरी गलती है सो आई वोंट माइंड. बट अगर नहीं है देन आई थिंक हर एक इंसान के अंदर अपनी थोड़ी सी सेल्फ रिस्पेक्ट होनी ज़रूरी है. हाउ टू कन्फेस आई लव फॉर सम. मेरे पहले मेरे गाने सुन सकते हैं. दे माइट मोटिवेट यू. Sezil, what I'm saying your name. Deepti, yes, I'm gonna change my phone very soon. हाँ वैसे भी बैटरी लो है तो चार्ज कर लेंगे. Why are you so humble? मैं जो हूँ मैं हूँ. I don't put an extra effort. जो जिस तरह से I think it's always been like this. कोई ज़्यादा effort ज़्यादा नहीं है. ओ गॉड लेट्स नॉट टॉक अबाउट द नोज गाइज. यहां प्यार की बात कर सकते हैं हम लोग. वेट फॉर द आई वुड वेट फॉर द राइट टाइम. सिमरन गोयल ये जो लड़का लाइव है वो आपको भाव दे रहा है. आज जो एपिसोड ऑन एयर हुआ तो मैं जानना चाहता हूँ व्हाट आश्रय. I'm not kidding. मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ what you guys think about it. I'm waiting for your actually I'm not giving advice. Is ये मेरे thought processes. मैं जो सोचता हूँ वो है. और गलत भी हो सकते हैं सही भी हो सकते हैं. किसी को हेल्प कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते. गाना आई विल सिंग. काश ऐसा भी होता तुम मेरे होते मैं तुम्हारा होता तो ये गम ना होते. बताओ आपकी लाइफ में लड़की कब आने वाली है. देखते हैं कब आती है. अभी तो टाइम है. पापिया रॉय मोंडल थैंक यू यार. थैंक यू आपने बंक किया अपना कॉलेज. आई होप आप सबको पसंद आया होगा शो. अगर किसी ने मिस भी किया है तो 3 बजे भी मिस कर दिया 12 बजे भी मिस कर दिया सो मुझे आपके चांसेस कम लगते हैं कि आप 8 बजे भी देखेंगे. बट अगर हो सके तो देन यू कैन वॉच द रिपीट शो एट 8 o'clock ऑन MTV बीट्स. दिल बीट्स विद दर्शन रावल. व्हाई डिड यू से यस फॉर दिल बीट्स. मैंने इसलिए यस कहा क्योंकि सबसे पहले लेट मी टेल यू MTV बीट्स की पूरी टीम इतनी अमेजिंग है तो आप पहले उनको ना बोल ही नहीं सकते कुछ भी चीज़ के लिए. दे आर अमेजिंग वेरी स्वीट एवरीबॉडी इन द टीम. और इतना अमेजिंग कॉन्सेप्ट है बिकॉज आई गेट टू टॉक टू यू गाइज एंड आई गेट टू शेयर माई थाट्स मैं क्या सोचता हूँ. और बहुत अमेजिंग लव स्टोरीज मैं आप सबके लिए लेके आ रहा हूँ. और मुझे गाने का मौका मिल रहा है सो आई एम डूइंग समथिंग अमेजिंग. ऑल द सॉन्ग्स डिफरेंट वर्जन सुनेंगे आप कुछ ओरिजिनल सुनेंगे एंड दे आर गोइंग टू बी अमेजिंग एंड यू गाइज आर गोइंग टू लव इट. आर यू सिंगल. यार अब इसका मैं जवाब नहीं देने वाला. कुछ तो है लेट्स सी क्या है क्योंकि इस क्वेश्चन का मैं इतनी बार जवाब दे चुका हूँ. योर चेन गिव्स लव. प्लीज चेंज योर हेयर कलर. हाँ यार बताओ कौन सा व्हाट शुड बी द नेक्स्ट कलर.
सीइंग सो मैनी, यार ये एक तो क्वेश्चंस बहुत स्पीड में ऐसे ऊपर जा रहे हैं. और हाँ, अगर कुछ छूट जाए, अगर मैं कुछ जवाब देना भूल जाऊँ या मुझे नहीं मालूम, सो आप सबको पता है आपको किस किसे पूछना है. यू ऑल हैव टू आस्क. ओ नेहा, शी हैज़ ऑल द आंसर्स. इंजीनियरिंग स्टूडेंट, इंजीनियर जितने होते हैं उनको आदत पड़ जाती है बंक करने की. आई फील अमेजिंग है मुझे, मैं जब अपने आप को देखता हूँ तो व्हेन आई सी माई सेल्फ ऑन ऑन टीवी, और मैं जब मेरे खुद के म्यूजिक वीडियोस देखता हूँ करने के बाद, रिलीज होने के बाद, तो मुझे लगता है आई कैन डू बेटर इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग. आई थिंक ये सबको होता होगा. When was the last time you had पानी पूरी? कब खाया पानी पूरी? आधे घंटे पहले आधे घंटे पहले. अभी घर पे ही बनवाया था. इफ आप श्रेयस की जगह होते तो क्या आप पायल से मिलने जाते? मैं डेफिनेटली, थोड़ा डिफिकल्ट है मेरा थॉट, सोचना थोड़ा सा अलग है. मैं जाता, मैं ये सोच रहा हूँ कि क्या व्हाट इफ पायल के लिए ज्यादा डिफिकल्ट हो जाए. शी इज अबाउट टू डाई एंड आई थिंक व्हेन शील कम टू नो दैट आई हैव मूव्ड ऑन, और मे बी आई डोंट लव हर एनी मोर, सो व्हाट वुड बी हर रिएक्शन. बट जाता जरूर अगर मैं उसकी जगह पर होता. आई वुड हैव गॉन डेफिनेटली. नाउ मैंने बता दिया, आप लोग बताए व्हाट डू यू गाइस फील, व्हाट मेक यू फील दैट यू शुड राइट. काश ऐसा होता यार. आई हैव नॉट, आई डोंट, मैं ज़्यादा सोचता नहीं हूँ जब गाना बनाता हूँ. एक्चुअली सोचना, गाना बन जाता है उसके बाद सोचना शुरू करते हैं. वी द एंटायर टीम स्टार्ट्स वर्किंग आफ्टर द सॉन्ग इज मेड. सो दिस सॉन्ग, काश ऐसा होता, बना काफ़ी टाइम पहले, काफ़ी टाइम नहीं, थोड़े वक्त पहले, व्हेन आई केम बैक फ्रॉम यूएस. एंड एज आई सेड, जैसे ही मैंने रिकॉर्ड करना शुरू किया, द रिकॉर्डिंग जब 3 साढ़े 3 मिनट के बाद व्हेन आई स्टॉप रिकॉर्डिंग, द सॉन्ग वॉज रेडी. हमने डब भी नहीं किया फिर से. मॉनसून सॉन्ग, एक्चुअली कोई स्पेसिफिक मॉनसून सॉन्ग नहीं है शायद तक इस बार, इस साल. बिकॉज राइट नाउ आई थिंक अभी सारे जो गाने आने वाले हैं, देर आर गोइंग टू कम ऑन दिल बीट्स थोड़े वक्त के लिए. आई थिंक अभी क्रिएशन चालू है, सो जब गाना कंप्लीट होगा आई डेफिनेटली इन्फॉर्म यू गाइस. अकॉर्डिंग टू मी, व्हाट्स द बेस्ट वे टू प्रपोज एनीबडी? आई थिंक प्रपोज जब करते हैं इट्स अ स्पेशल ओकेजन. आप किसी को कोई किसी स्पेशल इंसान को प्रपोज कर रहे हैं, सो आई थिंक डू समथिंग व्हाट दैट पर्सन लाइक्स, समथिंग दैट वुड मेक दैट पर्सन फील स्पेशल. अब वो हर एक के लिए अलग हो सकता है, बट इफ यू लाइक दैट पर्सन, डू समथिंग स्पेशल फॉर दैट पर्सन, कीप इट रियल. मुझे ये, मैं हमेशा ये कहता रहता हूँ बहुत सारे लोगों को, यू हैव टू बी रियल, यू हैव टू बी रियल. ओके, थैंक यू, थैंक यू एवरीबॉडी. आई एम सीइंग, इज इट यही स्पीड में ऊपर जाते हैं कमेंट्स? मेरे यहाँ जल्दी जा रहे हैं. यस, अनिकेत मैत्रा सर, सर कैन यू टेक माई नेम जस्ट वंस? कहाँ है? हाँ, कहाँ से? डिड यू रीड, एक सेकंड, कहाँ डिड यू रीड टू है? नहीं, आई हैवंट रीड इट येट,
But I'll definitely read it soon. मेरे सामने ही है सारे गिटार. सो गाइस, आई थिंक इट्स टाइम फॉर मी टू गो. बट आई वॉज एक्सपीरियंस वर्किंग विद करिश्मा. आई कीप ऑन थैंकिंग हर बिकॉज बहुत ही लास्ट वूमन शी केम इन एंड शी वॉज अमेजिंग. बहुत मज़ा आया उसके साथ काम करके. शी इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड एंड इट वॉज अमेजिंग. एक दोस्त के साथ वेन यू एक्ट इट्स बहुत इट्स मोर ईजी टू परफॉर्म. ओके गाइस, आई थिंक आप लोग एवरी वेनसडे यू ऑल हैव टू वॉच दिल बीट्स. और मैं एवरी वेनसडे आपके लिए अमेजिंग गाने अमेजिंग स्टोरीज लेकर आऊँगा. बट हर बार एक क्वेश्चन होगा आप सबके लिए. सो बी रेडी. और बहुत सारी चीज़ें होने वाली है आगे. सो स्टे ट्यून टू MTV बीट्स. और आज का जो क्वेश्चन था, लेट मी टेल यू गाइज, मैं बहुत ज़्यादा आई एम एक्टिव एंड आई एम रीडिंग वॉट यू गाइज थिंक एंड आई एम वेरी एक्साइटेड एज वेल. और अगले वेनसडे एक और अमेजिंग स्टोरी है आप सबके लिए. एंड इट इज़ गोइंग टू बी अमेजिंग. ठीक है गाइज, नाउ आई विल टेक योर लीव एंड आप लोग हंसते रहिए, खुश रहिए, बी हैप्पी. मैं मेरी फ्लाइंग किस नहीं दे पाऊंगा क्योंकि मेरे दोनों हाथ आर विथ मी. इट्स ओके. सो गाइज टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे. और 3 बजे भी मिस कर दिया है, वो 8 बजे जरूर MTV बीट्स देखें. और उस पर दिल बीट्स विद दर्शन रावल यू डेफिनेटली हैव टू वॉच इट. सो टेक केयर, गॉड ब्लेस, बाय एंड लॉट्स ऑफ लव टू एवरीबॉडी.